हेलो एवरीवन, 32बार.com पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं मेरे से कि आपने अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल किया, आपने अपने वेट को कैसे कम किया। तो मैं पूरी फुल इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ आपके साथ। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के बताया जाए, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि वेट लॉस आखिर कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा नाम नवाब आबिद है और मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सब इसी आईडी से हूँ। और मैंने अपना वेट 75 से 63 पे आया। 1 month में तकरीबन 7 kg लूज किया अपने वेट। कैसे लूज किया, पूरी प्रॉपर डाइट बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में, जैसे 5 o'clock पे आपको एक शेड्यूल कर लेना है, या तो 5 o'clock पे उठना है या 6 o'clock पे उठना है। एक टाइम कर लीजिए, अपना रूटीन बना लीजिए कि आपको उठना कब है। आपको गर्म पानी लेना है, वार्म वाटर, एप्पल साइडर विनेगर डालना है, उसको मिक्स करना है। ठीक है, अगर उसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं ऐड, तो हनी कर लीजिए ऐड। वैसे अगर गर्म पानी में हनी ना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हनी का तासीर जो होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, और आपका पानी जो है ये गर्म है, तो ये ठंडा गर्म हो जाएगा। तो एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो उसी को लीजिए, उसमें कुछ और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको पानी लेके वॉक पे निकल जाइए, कम से कम 30 मिनट्स वॉक कीजिए। अगर वॉक कर सकते हैं तो वॉक कीजिए, या एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत सारी एक्सरसाइज है, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, या हमारे टिकटॉक आईडी तो आजकल बंद हो गई है, लेकिन यूट्यूब पे भी मैंने डाला है, नवाब आबिद 64 के नाम से हमारी आईडी है। तो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करने से हमारा फैट लॉस होगा, हमारा टम्मी का फैट लॉस होगा। पहले की हमारी अगर आप फोटो देखेंगे तो हमारे पेट आपको दिख रहा होगा, पेट लुकिंग दिख रहा होगा। आजकल पेट का फैट वो भी लूज हो गया है। ठीक है, क्योंकि वेट इतनी तेजी से कम हुआ है। तो वॉकिंग पे निकलिए, वॉकिंग इतनी तेज कीजिए कि आपकी सांस फूले। ठीक है, वरना कोई अगर पत्थर वगैरह आगे ऐसे रख ले, कोई ईटा टाइप का, उस पर ऐसे कूदे या रस्सी कूदे, जिससे कि आपकी सांसें फूल गई। अगर आपकी सांस नहीं फूलेगी तो वही फॉर्मूला हो जाएगा जैसे कि अपनी पड़ोसन जो होती है ना, आंटियाँ होती है ना, खाना खा के 11 बजे रात में खाना खा के निकल जाती हैं वॉक पे। 2-2 घंटा वॉक करती हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारा खाना हजम हो रहा है, लेकिन उनका खाना नहीं हजम होता है, उनकी बातें हजम हो जाती है, उनका खाना नहीं हजम होता है। ठीक है, तो वॉक तेज से करना है जिससे कि आपकी सांस फूले। अगर आपकी सांस फूलेगी तभी आपका फैट लॉस होगा। ठीक है, कम से कम 30 मिनट्स करना है। उसके बाद एक बनाना खाना है, एक केला खाना है आपको, बहुत अच्छे से केला खाना है, 32 बार चबा के खाना है। केले को छोटे छोटे टुकड़े में खाना है, ऐसा ना हो कि बड़े टुकड़ों में आपने फटाफट फटाफट खा लिया, नहीं, छोटे टुकड़ों में खाना है। और सुबह की मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं उसके बाद ही खाना है 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट का एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है। नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर ले लें तो ये फैट लॉस के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, उसमें सिनेमन पाउडर यूज़ कर लें, जैसे दालचीनी का पाउडर होता है, पाउडर बना के रख ले, घर में पाउडर बना के रखिए, बाजार का रेडीमेड पाउडर मत लाइएगा। तो उसमें पाउडर ऐड कीजिए थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, और उसको खा सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है सिनेमन पाउडर दालचीनी खाना, तो आप उसको जैसे पीनट ब्रेड की ब्रेड सैंडविच खाएंगे, उसके साथ सलाद खाएंगे, फिर एक दही जरूर रखिए सुबह के टाइम। ठीक है, एक दही रखिए, दही लो फैट वाला रखिएगा। ठीक है, अगर लो फैट का मिल जाए तो अच्छा है, वरना फिर कोई भी आप दही यूज़ कर सकते हैं। उसमें सिनेमन पाउडर हो गया, दालचीनी पाउडर हो गया, और आपका क्यूमिन जीरा पाउडर हो गया, और कुछ मसाले ऐड करना चाहें आप, नमकीन खाएं, लेकिन उसमें चीनी वगैरह कर ना डालें। चीनी तो बिल्कुल बंद कर देनी है, चीनी वाली सामान कोई नहीं खाना है, मीठा कुछ नहीं खाना है, जलेबी रसगुल्ला ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, चाय नहीं पीनी है चीनी वाली, अगर पीना चाहते हैं तो अदरक की चाय या ग्रीन टाइप पियेंगे, वो सब नहीं पियेंगे। नाश्ते में अगर आप और ऐसे डाइट फॉलो कर रहे हैं तो लूज फैट वाले खाएं, जैसे दलिया खा लें, नॉर्मल नमकीन दलिया, मीठा दलिया नहीं। और जैसे कि आपको बहुत सारी डाइट फूड मिलेगी वो खाएं। ठीक है, एक टाइम फिक्स होगा आपका, 8 o'clock ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद आप तकरीबन आधा या 1 घंटे बाद वार्म वाटर में ग्रीन टी लीजिएगा, ग्रीन टी पीजिएगा। ठीक है, ग्रीन टी पीजिएगा, फिर हो सकता है 300 ml पिए, फिर हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर 300 ml पिए। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद अगर आपके पास टाइम है, या ऑफिस में है या कहीं भी है,
एक छोटा सा टिफिन कैरी कीजिए, ठीक है? मैं अभी कैरी करता हूँ, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे टिफिन कैरी करता हूँ, क्योंकि हम लोग मार्केट में चलते रहते हैं, तो मार्केट में चलने के लिए एक ऐसा टिफिन कैरी करते हैं, ठीक है? इसमें सैलेड रखते हैं, जैसे भूख लग जाती है ना, तो ये सैलेड ही खाते हैं। बताइए, कार में मार्केटिंग में कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे सैलेड लेके चलते हैं कि भूख लगे तो ये सैलेड खा के हम लोग अपनी भूख को मिटा लें। ऐसा ना हो कि हम बाहर निकले फास्ट फूड वगैरह खाएं, तो ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद 11 बजे, आप जैसे मिड मॉर्निंग होती है ना 11 बजे, तो 11 बजे में भी थोड़ा सा सैलेड खा लें, जिससे कि आप खाना कम खाएंगे। दोपहर के खाने में 1 या 2 बजे जब भी आप खाना खाते हैं ना, तो मुश्किल से रोटी लीजिए, रोटी को बहुत चबा चबा के खाइएगा। छोटी रोटी लीजिएगा ना, जैसे बच्चे खाते हैं, उसको आराम से लीजिए, एकदम चबाइए। जब चबाएंगे आप 32 बार, तो आपको टाइम लगेगा, उससे जल्दी आपका पेट भी भर जाएगा। दाल ले लीजिए, दाल प्रोटीन में दाल आती है, ठीक है? बहुत ही जल्दी मिल जाती है। दाल की क्वांटिटी ज़्यादा लीजिए, अगर चावल खा रहे हैं तो चावल की क्वांटिटी कम लीजिए, ठीक है? रोटी लेंगे 2, तो चावल ऐसे ऐसे ना खाइए, थोड़ा ही चावल खाइए इतना, ताकि अपना मन भर लीजिए। चावल खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इतना खा लेंगे तो चलेगा। सलाद खाइए बीच बीच में, जैसे प्याज ले लीजिए, गाजर, खीरा, मूली, गोभी, पत्ता गोभी, जो भी मिले। क्योंकि जब हम लोग सब्जी खाते हैं ना, तो उसमें सब्जी में न्यूट्रिशन बहुत होता है। जब हम उसको पका देते हैं, तो पकाने से काफ़ी सारे न्यूट्रिशन उसके मर जाते हैं। तो जो सब्जी कच्ची खा सकते हैं, उस सब्जियों को कच्ची खाएं सलाद के रूप में, ठीक है? धनिया है, जो भी है, नींबू है, ठीक है उसमें। और खाने के साथ भी एक दही रखिएगा, ठीक है? दही से सुबह और दोपहर में दही रखिएगा, शाम के टाइम में दही नहीं रखना है, ठीक है? शाम को जैसे अब हम शाम को मार्केटिंग में निकले हैं, अब शाम को भूख लग रही है, तो क्या खाएं? हम सलाद जैसे कैरी करके चल रहे हैं, अपना ये ग्रीन टी कैरी करके चल रहे हैं, कि ग्रीन टी पी लेंगे, तो ग्रीन टी और सैलेड से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम शाम को क्या करते हैं भाई, शाम को हम 6-7 बजे के आसपास सैलेड ले लेते हैं, उसके बाद पीनट ब्रेड की सैंडविच ले लेते हैं, पीनट ब्रेड की सैंडविच ले लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद लो फैट का दूध होता है, अभी मैंने लो फैट का दूध भी लेके रखा है, जल्दी मिलता नहीं है, लो फैट का दूध जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो दही लेके रखा है लो फैट का, और लो फैट का मिल्क भी लेके रखा है, 200-200 ml की बॉटल आती है। और आपके अगर बड़ी आती है या कोई भी मिले फैट मिल्क, तो नॉर्मली रात में मिल्क ले लीजिए। रात में मिल्क में हो सके तो सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर ऐड कीजिए, ठीक है? सुबह दही में ऐड कीजिए दालचीनी का पाउडर, और रात में दूध में ऐड कीजिए। अगर रात में दूध में भी आपको दालचीनी का पाउडर अच्छा नहीं लग रहा है, तो दोनों टाइम दही में ले लीजिए, जैसे सुबह के नाश्ते में दही में ले लीजिए, और फिर दोपहर के खाने में दही लेते हैं, तो उसमें सिनेमन पाउडर हो गया और क्यूमन पाउडर हो गया, ये सब पाउडर मिक्स करके खा लीजिए, ठीक है? फिर रात में भी आपको कम से कम वॉकिंग या कोई एक्सरसाइज तो करनी है, 30 मिनट्स वॉकिंग करनी है, ठीक है? वॉकिंग करनी है या एक्सरसाइज कीजनी है। अब वॉकिंग के स्टेप कैसे काउंट करें, और हम कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं ये कैसे काउंट करें, तो मैं भी सोच रहा था इस किसको कैसे काउंट करा जाए, कैसे क्या किया जाए। उसके लिए मैं सोच रहा था ये मैनुअल वॉच है, स्मार्ट वॉच ले लूँ, तो स्मार्ट वॉच लेने से क्या होगा, हमको पता चलेगा मैंने कितने मिनट किया है, कितनी कैलोरी बर्न हुई है, कितने स्टेप चला हूँ। अब उसके लिए भी मैंने सोचा कि फिर पैसे फंसाऊंगा, 59 QR वाला, 120 QR, यानी तकरीबन इंडिया के 3000-4000 ऐसे स्मार्ट वॉच आती है। तो उसके लिए भी मैंने एक देसी जुगाड़ लगा दिया, अपने प्ले स्टोर में ऐप में जाइए, उसमें एक ऐप है, मैं आपको बताऊंगा जल्दी, दूसरी वीडियो में बताऊंगा, या इसमें कमेंट करके ऐड कर दूंगा जब से, अच्छा, जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, स्टेप काउंटिंग की, ठीक है? जिसके मिलियन बहुत ज़्यादा है डाउनलोडिंग के, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आप दिन भर में कितने स्टेप चल रहे हैं वो काउंट होता है, आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं वो भी काउंट होता है, आप कितने किलोमीटर चल रहे हैं वो भी काउंट होता है। तो आप तो ये स्मार्ट वॉच के पैसे भी बच जाएंगे आपके, आपके स्मार्ट वॉच के पैसे बच जाएंगे तकरीबन 2000-3000, 2000-3000, तो आपके इसके पैसे भी बच गए, और आपने मोबाइल में ही काउंट कर लिया, वो ऑफलाइन भी है, ठीक है? आप जेब में, पॉकेट में कहीं भी मोबाइल को कैरी कर रहे हैं ना, आप घर में भी चल रहे हैं, तो वो भी स्टेप काउंट हो रहे हैं, वो भी किलोमीटर काउंट हो रहे हैं, वो भी कैलोरी कितनी बर्न हो रही है वो भी काउंट हो रहे हैं। तो इन सब का बहुत फायदा है, और बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, मैं इतने दिन से फॉलो कर रहा हूँ, वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बता दूं
कि वेट लॉस ऐसे नहीं होता है, आसान काम नहीं है। आपने अगर 2 साल में वेट अपना बढ़ाया है या 1 साल में वेट बढ़ाया है तो कम करने में भी टाइम लगता है। लेकिन हाँ, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी सांस फूले, एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए अगर आप चल रहे हैं तो आपकी सांस फूले। अगर आपकी सांस नहीं फूलेगी तो आप 2 घंटा भी पैदल चल लेंगे, वॉक कर लेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। और ये मीठा एकदम बंद करना है, और नमक, कच्चा नमक नहीं खाना है, रॉ सॉल्ट नहीं खाना है। अगर नमक यूज करना है तो ब्लैक पेपर यूज कीजिए, या फिर आपका रेड सॉल्ट आता है, काला नमक जिसे बोलते हैं, रेड सॉल्ट बोलते हैं आजकल, तो काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट तो होता नहीं है, वो रेड सॉल्ट ही होता है, ठीक है। काला नमक करके उसका प्रचार की दिया है, लोगों को गलत जानकारी दे दी है, गलत चीज़ें बता दी है जैसे पहले लोग बताते थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोग जैसे टमी बेल्ट लेते हैं ना, एक मशीन ऑटोमेटिक भी बेल्ट आती है और मैनुअल भी आती है, जिससे आपका स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उससे कहते हैं लोग आपके पेट का फैट बर्न हो रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। बहुत मैंने अच्छे से बता दिया है ये चीज़ें।